दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ पे मेन मटर बियर्ड ग्रोथ कीट के बारे में बात करेंगे। ये जो बियर्ड ग्रोथ कीट है, आप लोग को महंगा प्राइस में देखने को मिलता है, और यानी कि इसमें डर्मा रोलर मिनोफिन बियर्ड गमी देखने को मिलता है। तो इसका वाजिब किसका मतलब प्राइस आपको हाई देखने को मिलेगा ये। लेकिन अगर प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ करना है और पैसा आपके पास ज़्यादा है तो इसके ऊपर आप जा सकते हो। लोगों का ये है कि सबर करना नहीं चाहता है, तो जितना जल्दी लोग सस्ते के 2 से 3 महीने में बियर्ड ग्रोथ कर लेंगे, तो इसी के लिए मैन मेटस का बियर्ड ग्रोथ किट यूज़ करते हैं। कोई भी ब्रांड का हो, लेकिन मैन मेटस बियर्ड ग्रोथ किट एक ब्रांड है और आपको एक कहीं ना कहीं थोड़ा बेस्ट मतलब रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप सिर्फ डर्मा रोलर और मिनोफिडिल से स्टार्ट कर सकते हो जर्नी। बियर्ड गमी जो आप बाद में ले सकते हो, इसके अलावा मिनोफिडिल टेबलेट भी आता है, आप उसे भी ले सकते हो अगर आपके हिसाब से बेटर हो। तो आप अगर बियर्ड ग्रोथ करना चाहिए 3-4 महीने में जल्दी, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बियर्ड ग्रोथ के लिए मैन मेटस का बियर्ड ग्रोथ किट आता है और हेयर ग्रोथ के लिए दूसरा आता है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि बियर्ड ग्रोथ के लिए मंगाएं तो हेयर के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर हेयर के लिए मंगाए हो तो बियर्ड के लिए यूज़ कर रहे हो। देखिए, मिंट ऑफ मिनोफिल हेयर बियर्ड दोनों के लिए है, आप उसमें ऐसा काम कर सकते हो। लेकिन ये है जो मैन मेटस में आता है, आपको अलग अलग मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगाना आना चाहिए, मैंने बताया कि कैसे लगाना है। सबसे पहले जब मिनोफिल यूज़ करोगे तो फेस वॉश कर लेना अपने फेस को, तभी आप यूज़ करना है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें होंगे। और जितना हो सके आप फेस वॉश करके यूज़ करो। जब डर्मा रोलर जब जिस दिन यूज़ करोगे तो उसको वॉश करके रख लेना है, फिर अगला दिन यूज नहीं करना, 2 से 3 दिन बीच में गैप डालना, तभी आपको डर्मा रोलर यूज़ करना। और मिनोफिडिल अप्लाई करने से पहले डर्मा रोलर यूज़ करना है और तुरंत मिनोफिडिल अप्लाई करना है। बियर्ड गमी डेली लेना है, यानी कि नाइट में जब खाना वाना खा लोगे बस इसके बाद लेके सो जाना है। ठीक है, और मिनोफिडिल कब लगाना है तो उसमें भी इसका भी सही टाइम बताओ तो नाइट अच्छा रहेगा। नाइट में अगर ज़्यादा पैसे वाले तो 2 टाइम लगाओ, अगर पैसे कम है कम बजट वाले हो तो आप सिर्फ 1 टाइम ही लगा सकते हो, वही रिजल्ट मिलेगा, कहीं खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। जितना टाइम मतलब हो सके तो आप नाइट में ही यूज़ करना। डे वाले के लिए अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो डे में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम करते हैं डे में तो आप नाइट में लगाओ बेहतर रहेगा, और अपने फेस को जितना हो सके क्लीन रखो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो दोस्तों, और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आपको बियर्ड गमीज में तो जिंक पाए जाते हैं, आपको वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा ही। साथ में आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर में करना, ठीक है, और जितना हो सके अपने खाने में प्रोटीन लेने की कोशिश करना, तो और ड्राई फ्रूट्स भी लेने की कोशिश करना, आपको बहुत जल्द बियर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेचुरल तरह मतलब नेचुरल से जब हेल्प मिलेगा और जब आप मिनोफिडिल यूज़ करोगे तो बेटर रिजल्ट देखने का संभावना मिलेगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और टाइम देखिए दोस्तों, सभी को एक जैसा नहीं है, किसी को 6 महीने तक लग जाते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है तो आप बियर्ड गमी छोड़ देना है, सिर्फ आप मिनोफिडिल लगाते लगाते जाना है। ठीक है, मिनोफिडिल ही काम कर लेगा ज़्यादातर अगर किसी को सूटेबल नहीं होता है। और अगर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है आप लोग को, बड़ा साइड इफेक्ट यानी कि कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक ने इचनेस का प्रॉब्लम देखिए, तो आप क्यूट कर सकते हो, अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना तो बेटर रहेगा। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।